सिविल मेहताब हॉस्पिटल नरसिंहगढ़ परिसर में एसडीएम सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर गौरव त्रिपाठी के नेतृत्व में आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दस्तक अभियान के तहत एक दिवसीय उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें शासन के आदेश अनुसार 11 तरह की सेवाएं हर हितग्राही को देने हेतु बताया गया। एसडीएम सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता एवं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिसका प्रशिक्षण दिया गया। दस्तक अभियान को सफल बनाने हेतु संकल्प दिलाया गया कि इस दस्तक अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष के बच्चों की जाँच और उपचार किया जाएगा, जिसमें वे निमोनिया, डायरिया, अंधत्व, कुपोषण सहित आदि अन्य बीमारियों से बचे रहने के उपाय एवं जानकारी घर घर जाकर दी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग से विश्वास नायक गांवकर बीई, समृत सिंह बघेल बीसीएम सहित सुपरवाइजर एवं समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महिलाओं को क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? दस्तक अभियान 10 जून से लेकर 20 जुलाई तक सरकार द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। इसमें महिला बाल विकास एवं हेल्थ विभाग के समन्वय से प्रोग्राम चलाया जाना है, जिसमें दस्तक जैसे नाम से जाहिर है कि हमारी जो वर्कर्स की टीम है आंगनवाड़ी आशा और इन्हें ये घर घर जाके दस्तक देंगी, मतलब हर घर में संपर्क करेंगी और वहाँ 11 बिंदुवार जो है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी स्क्रीनिंग करेंगी, और भी यदि परिवार किसी सदस्यों को समस्या होती है तो उसकी स्क्रीनिंग करके उनके तौर पे प्रबंधन करने की कोशिश करेंगे। यदि उन्हें आवश्यकता लगती है तो वो नियरेस्ट जो उनकी स्वास्थ्य संस्था वहाँ उसको रेफर करेंगे। सर, आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किस बात के लिए मोटिवेट किया? दस्तक अभियान जो सरकार ने चलाया हुआ है उसमें मेन जो उनका उद्देश्य है कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उसमें शारीरिक एवं मानसिक तरीके से उनका स्वास्थ्य एकदम सही बना रहे, तो उसमें ICDS और हेल्थ विभाग की एक ज्वाइंट मिशन है ये, तो उस चीज़ के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को बुलाया था यहाँ पे उनको अवेयर करने के लिए और उनको बताया कि घर घर जाएं, वो हर घर में 20 से 25 मिनट बिताएं। 11 बिंदु हैं सरकार के और हर बिंदु पर फोकस करें, बच्चों को देखें कि सही तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही है, तो इसीलिए मोटिवेट।